Doing very great. Okay, so today I'm going to teach you the lesson 10 poem Meri Abhilasha. Okay, so this is the poem Meri Abhilasha. First of all, I'd like to say Abhilasha means what? Abhilasha means desires, aim, okay, wish. Okay. So, Meri, so the my wish, you can say my desires and my aim. So here, before I'm gonna explain this poem, I need to give the explanation about to this poet. Okay. So in this poem, the poet name is Dwarika Prasad Maheshwari. Dwarika Prasad Maheshwari. And he born 1916 and he died 1998. Unka mrityu ho gaya tha 1998. Aur sthan gaon Rohta. कौन सा गांव में? एक गांव में उनका जन्म हुआ था, रोहता. सो विच इज इन आगरा. सो दैट्स सिचुएटेड इन आगरा. द कंप्लीट कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश से. एंड ही वाज अ बाल साहित्यकार, यानी चाइल्ड लिटरेचर थे. और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं. सो ही हैज रिटन सो मेनी पोएम्स. फूल का सूल और वीरो वीरो लाइक वीर वीरो तुम बड़े चलो और सोने की कुल्हाड़ी. सो दिस टाइप ऑफ सो मेनी ही हैज रिटन अ पोएम. सो बिफोर गोना एक्सप्लेन दिस वन, आई जस्ट हियर दिस पोएम हैज गिवन वन लिटिल मैसेज, संदेश दिया है कि इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन के मूल्यों का अपनाने का संदेश है. सो हियर ही सेड कि दैट सर्विस, ओके, सेवा, सर्विस, सर्व करना, त्याग लाइक सैक्रिफाइस, सहनशीलता, टॉलरेंस, बियोनेस, दृढ़ता द फर्मनेस, ओके, लाइक डिटर्मिनेशन, एंड दिस ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट इन आवर लाइफ. दिस इज द message, okay, in this poem. So here the poem is like the first stanza, Sura sa tamku mein, chan sa chamku mein. Here is the complete, the poem is here, the wish, Meri Abhilasha. So whose Abhilasha this one? This one is the poet's Abhilasha, poet's desires here. So this all, what he has desires, just we will discuss. सूरज सा दमकू में, चांद सा चमकू में, आई विश आई हैव टू शाइन, आई हैव टू ग्लो लाइक अ दमकू, मतलब ग्लो, ओके, दमकू ग्लो लाइक अ सन. सो बट बिकॉज द सन इज अ ग्लोइंग मून, राइट, आई वाज सो ब्राइट एंड ग्लो, सो दैट्स व्हाई इट विल ग्लो लाइक अ सन. एंड चांद सा चमकू में, एंड द चांद मीन्स moon, like a moon, I have to like, I wish, I have to like a shine like a who? Chand. Chand jaisa. Chand hamesha bahut chamakta hai, hai na? So, jhalmal jhalmal ujjwal taro, or just twinkling twinkling like that, a very bright, okay? Taro sa damku mein. All the stars, how the twinkling and how the glowness they are giving, how the brightness they are giving light, are my wishes that. Wo meri abhilasha hai. Phoolo sa mehku mein, and I have to like a fragrance, I have to give the fragrance, fragrance like a flowers. So flowers having a so much fragrance, right? Bihagun sa chahku mein. Bihag means pakshi. And okay, Bihar means pakshi. The Bihago sa, like pakshi jaisa main chahku. Chahku ka matlab chirping. Okay, chirp, main vaise chirp karu. Vaisa main chahku. Gunjit kar van upahan, koyal sa kunku mein. Aur main apni awaaz, jaise koyal se, jo koyal ki meethi awaaz hota, the koyal, the kuku, is having a very melodious voice. Like melodious voice, मैं भी अपना आवाज को गुंजित करो इस जंगल, वन उपवन, इस जंगल में, इस गार्डन में, इस और हर जगह में मेरा आवाज ही गूंजता रहे, इको होता रहे ना. गूंजना मतलब इको होना है. ये मेरी अभिलाषा है, दैट इज माय अभिलाषा, दैट इज माय विश. नफ्स निर्मलता,
लो, नभ सा निर्मलता लो, मतलब नभ, नभ का मतलब होता है यहाँ पे आपका स्काई। सो स्काई, स्काई से मैं क्या लू, निर्मलता, निर्मलता मतलब सॉफ्टनेस। ओके, ससी से शीतलता लो, ससी हियर द ससी कौन है, चांद। ओके, उससे मैं क्या लू, कूलनेस, शीतलता, उससे मैं कूलनेस लो। धरती सा, धरती से सहिष्णुता लो, धरती से मैं क्या लू, सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब टॉलरेट करो, क्योंकि धरती कितना बेयर करती है ना, सब कुछ टॉलरेट करती है, कितना कुछ यहाँ पे इस धरती में होता है, तो वो कौन टॉलरेट करता है, यहाँ धरती, और बहुत ही स्ट्रांग रहती है हमेशा धरती, है ना, ये सब को हम लोगों को सबको हैंडल करती है, तो वो कितनी धरती स्ट्रांग है और धरती बहुत टॉलरेट करने का पावर है उसमें, उस तरह सा सहिष्णुता रहो। और पर्वत सा दृढ़ता लो, पर्वत, पर्वत कैसे रहता है, बहुत ही डिटरमाइंड, फर्मनेस, स्लो, इट्स स्लो, उसकी तरह मैं दृढ़ता रहो, दृढ़ता लो। सो इस सब कुछ मैं उससे लूँ, किससे, जैसे नभ से निर्मलता लो, शीतल से, ससी से शीतलता लो, ससी, ससी के साथ मैं क्या लूँ, एक कूलनेस लो, और धरती से सहनशीलता, धरती से मैं क्या, एक टॉलरेंस पावर, एक स्ट्रांग पावर लो, और पर्वत से दृढ़ता, पर्वत के जैसा मैं, जब मेरा फर्मनेस रहना है, और ये सब मेरी अभिलाषा है, दिस ऑल माई डिजायर्स, हियर द पोएट सेट। सो ओके चिल्ड्रेन, वंस अगेन आई हैव टू रीड दिस पोएम। सूरज सा दमकू में, चांद सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, बिहागों सा चहकू में, गूंजित कर वन उपवान, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूँ, ससी से शीतलता लूँ, धरती से सहनशीलता लूँ, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ दिस पोएट। सो कंप्लीट हिज डिजायर्स हियर, द कंप्लीट द पोएट वट एवर हिज डिजायर्स इज देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली ही सेड कि हमें इस जिंदगी में जीवन के मूल्य, वट एवर जीवन के मूल्य मतलब वट एवर द प्रिंसिपल्स आर देयर, दैट इज अपनाने को, वट एवर द प्रिंसिपल को अपनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, उन्होंने क्या क्या बताया था, हमें अच्छा सेवा देना है, यानी सर्विस देना है, त्याग करना है, आई मीन सेक्रीफाइस, यू हैव बीन सेक्रीफाइस, और सहनशीलता होनी चाहिए, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, और दृढ़ता, फर्मनेस होना है। सो दिस ऑल आवर फाउंडेशन, मतलब यू कैन से मूल्य है जीवन को अपनाने का। इसीलिए यहाँ पे जितने उन्होंने कहा है पोएम में, जो भी उन्होंने मेरी अभिलाषा कहा है, ये सारी अभिलाषा इस चार शब्दों में, शब्दों से संबंधित है। सो चिल्ड्रेन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। सो टुडे आई एम गोना वाइंड अप माय सेशन हियर। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।